जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग तिलक वेंचर्स कंपनी के राइट इशू के बारे में। अभी दो दिन पहले ही मैंने इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कंपनी के काम धाम, फंडामेंटल और बाकी चीजों को डिस्कस किया था। आपको बताया था कि यदि आप नॉर्मली भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वो फायदेमंद होगा या नहीं, या जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उसे क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंपनी का जो राइट इशू अभी ओपन है उस राइट इशू का डिटेल्स लेंगे। आपको बताऊंगा राइट इशू क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। बहुत से लोग जो राइट एंटाइटलमेंट्स के शेयर होते हैं, आरई शेयर्स, उसको बाय कर लेते हैं अलग से और फंस जाते हैं, तो ये सब गलती नहीं करनी है। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस आसान भाषा में बताने वाला हूँ राइट इशू का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी वर्तमान में देखेंगे तिलक वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के जो शेयर प्राइस चल रहे हैं वो चल रहे हैं 4.40 रुपए के आसपास। और ध्यान से समझिए, जब कंपनी राइट इशू लेकर आती है, राइट इशू का सीधा सा मतलब होता है इसमें जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका राइट्स होता है, इसलिए इसको कहते हैं राइट इशू। अब देखिए जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ वही इस राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि जो नहीं है वो भी कर सकते हैं अलग से मार्केट में राइट इशू के शेयर्स को बाय करके, लेकिन वो उतना फायदेमंद नहीं होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं यदि कंपनी के राइट इशू में अप्लाई करें तो इनको कैसे फायदा होगा। समझिए, जो राइट इशू होता है उसमें जो कंपनियां शेयर्स अपने निवेशकों को देती है उसका जो शेयर प्राइस होता है वो मार्केट भाव से कम प्राइस पे होता है। अभी मार्केट में इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 4.40 रुपए, लेकिन राइट इशू में जो कंपनी आपको शेयर्स देगी वो इस भाव से कम प्राइस पे देगी। तो यहाँ पे हो गया फायदा आपको, तो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे शेयर मिल रहा है, आप बाई करेंगे तो दूसरा फायदा ये होगा कि आपका जो एवरेजिंग प्राइस होगा वो कम हो जाएगा, और एवरेजिंग प्राइस जितना कम हो उतना बढ़िया होता है। और सबसे बड़ी बात, राइट इशू में अप्लाई करना चाहिए क्योंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनी के सुख दुख को आपका साथ निभाना चाहिए। राइट इशू ओपन हुआ है 3 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक ओपन रहेगा, यानी कि इसी टाइम पीरियड में आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है ये मैं आगे बताऊंगा। इस राइट इशू के जरिए कंपनी 49 करोड़ रुपए तकरीबन जुटाने जा रही है, जिसके लिए कंपनी इतने शेयर्स आप मार्केट में डिप्लॉय करेगी, नए शेयर्स। अब समझिए, इस शेयर्स का जो आरी शेयर्स है उसके लिए जो कंपनी पर शेयर का भाव रखी है वो रखी है 2.20 रुपए, और मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है तकरीबन 4.40 रुपए के आसपास, यानी कि तकरीबन आधे प्राइस पे कंपनी ने शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को देने का ऐलान किया है। अब समझिए इसमें होगा क्या, सिर्फ वही व्यक्ति इस कंपनी के लिए एलिजिबल हैं जिन लोगों ने 13 सितंबर से पहले इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया है, यानी कि तिलक वेंचर्स कंपनी के शेयर यदि किसी व्यक्ति ने बाय किया है, कब बाय किया है, 13 सितंबर के पहले, तो सिर्फ वही इस राइट इशू में अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करना कैसे है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो व्यक्ति एलिजिबल है उनके डीमैट अकाउंट में ये जो आरई शेयर्स हैं जो राइट एंटाइटलमेंट्स के शेयर्स, वो उनके डीमैट अकाउंट में दिखने लगे होंगे। आपके डीमैट अकाउंट में अलग से कुछ शेयर्स दिख रहे होंगे, वही आरई शेयर्स हैं, आप अपने डीमैट अकाउंट में देखकर उसको समझ सकते हैं। कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि आरई शेयर्स कितने मिलेंगे। समझिए यहाँ पे क्या होता है, रेशियो के हिसाब से शेयर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे एंटाइटलमेंट के लिए रेशियो रखा गया है 1:1 का, यदि किसी व्यक्ति के पास एक शेयर्स है तो उसके बदले उसको एक अलग से एक्स्ट्रा आरई शेयर्स मिलेंगे। किसी व्यक्ति के पास 10 शेयर्स हैं तो उसे 10 आरई शेयर्स मिलेंगे, और उसको 10 आरई शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि हमें जो आरई शेयर्स यानी जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा यदि हम उसको अप्लाई न करना चाहें तो उस शेयर का क्या होगा। जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं यानी कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स के शेयर्स होते हैं, यदि उसे आप 11 अक्टूबर तक अप्लाई नहीं करते हैं तो वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को आरई शेयर्स में अप्लाई नहीं करना होगा, इस राइट इशू में अप्लाई नहीं करना चाह रहे होंगे आप, तो आप क्या कीजिए कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिले हैं यानी कि जो आरई शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में अभी आप को दिख रहा है उसे आप बेच दीजिएगा। यदि आप बेचेंगे तो 2 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आपको बेनिफिट हो जाएगा, और नहीं बेचेंगे तो जब ये इशू क्लोज होगा तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिला है जो आरई शेयर्स, वो आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि यदि आपको अप्लाई करना है तो आप 11 अक्टूबर तक अप्लाई कर दीजिए, नहीं अप्लाई करना है तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिला है उसे आप बेच दीजिए। हाँ, अब ध्यान से समझिएगा, किसी व्यक्ति को यदि आरई शेयर्स नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने 13 सितंबर के पहले तक इस कंपनी के शेयर्स को बाय नहीं किया है, तो चूंकि वो व्यक्ति इस कंपनी के राइट इशू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं, तो मार्केट में अलग से आरई शेयर्स मिलता है। जब भी राइट इशू ओपन होता है तो आरई शेयर्स अलग से मिलता है, लेकिन आपको आरई शेयर्स अलग से मार्केट में नहीं खरीदना है, क्योंकि क्या होगा ना, जो मार्केट में आप अलग से आरई शेयर्स खरीदेंगे उसका प्राइस 2.20 रुपए ना होकर इससे ज्यादा होगा, तकरीबन 3 रुपए के करीब होगा, और मार्केट में भी वर्तमान में इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 4 रुपए, यानी कि आपको कोई खास फायदा होगा नहीं यदि आप मार्केट में अलग से आरई शेयर्स बाय करते हैं। तो आरई शेयर्स उनके लिए बेहतर होता है, राइट इशू में अप्लाई करना उनके लिए अच्छा होता है जिनके पास पहले से उस कंपनी के शेयर्स हैं। तो ये बात आप समझ गए। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई इन राइट इशू।
देखिए आपके लिए सबसे आसान तरीका है नेट बैंकिंग के थ्रू। आप आजकल हर व्यक्ति नेट बैंकिंग यूज करता है, जो भी बैंक आप यूज करते हैं उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पे आप लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड बनाइए, नहीं है तो है तो डाल के लॉगिन कीजिए, और उसमें एक आसवा का ऑप्शन आता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ये बहुत ही प्रीफर्ड मेथड होता है आईपीओ में राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। इसके थ्रू आप वहां पर जब जाएंगे आसवा में तो जितने भी राइट इशू ओपन है दिख जाएगा, और उसमें आप तिलक वेंचर्स के राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप अपने बैंक के कस्टमर सपोर्ट से बात करके कि एप्लीकेशन में ये आसवा का ऑप्शन कहाँ पे दिखेगा वहां से अप्लाई कर सकते हैं। बैंक के थ्रू पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आजकल के समय में बैंक कौन जाता है, आप घर बैठे नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कीजिए, राइट इशू में अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई जरूर कीजिएगा, अप्लाई करने में ही फायदा है। हाँ, यदि नहीं मन है अप्लाई करने का, पैसा नहीं है फिर भी मिला है, तो आप क्या कीजिएगा, इशू क्लोज होने से पहले उस शेयर को बेच दीजिएगा तो आपको 2 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेनिफिट हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। मन में कोई भी सवाल होगा इस राइट इशू से संबंधित कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।